हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू वैष्णोस ट्यूटोरियल। हम जैसे कि स्क्रीनिंग की तैयारी का पहला वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर चुके हैं, आज दूसरा वीडियो है वैदिक शब्दावली का। पहला वीडियो था मौर्यकालीन शब्दावली, ग्लॉसरी ऑफ वैदिक टर्म्स आज हम शेयर करेंगे। पहला जो वर्ड है वो है अमाजू। अमाजू कहा जाता था अविवाहित लड़की जो जीवन भर कुंवारी रहती थी, उसे अमाजू कहा जाता था वैदिक टाइम पीरियड पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि इन्हें अगर आप एसोसिएट करके याद करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लर्न हो जाएंगी। जैसा कि आप बकरी को अजा बोलना शुरू कर देंगे अपने आसपास, तो 100% आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएंगे। और यही एक तरीका है कितना हम इसको रट सकते हैं। तो हम एसोसिएट करके जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा लर्न हो जाएगा। जैसे कि चिस्किनी, इसको मैं जब भी चिनाव की बात आती है तो उसे मैं कहता था चिस्किनी, ठीक है, क्योंकि ये चिनाब और अस्किनी से मिलकर चिस्किनी जब बोलना शुरू किया तो वो हमेशा के लिए याद हो गया। ये तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई भी है जो वैदिक कालीन हमने वीडियो बनाया था, उसमें सारी जो नदियां हैं उनका शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलिए आगे चलते हैं। अवध जो है वो कुएं को बोला जाता था, आवे जो है भेड़ को बोला जाता था, अनस बोला जाता था साधारण सी गाड़ी को, औदन दूध से पकाई गई वस्तु। अगर आपके घर में कोई दूध से बनाई गई वस्तु है तो उसे आप औदन बोलना शुरू कर सकते हैं। आठम्वर, आठम्वर बोला जाता था वीणा को, असम धातु की वस्तु को बोला जाता था, आयस जो है उसे धातु को बोला जाता था, ठीक है। अंतर्वेदी, गंगा द्वाब क्षेत्र को अंतर्वेदी बोला जाता था, अगन्य, अगन्य बोला जाता था न मारने योग्य गाय को। उसके बाद है अनास, चपटी नाक वाला या बिना नाक वाले को अनास बोला जाता था। अव्रत, व्रतों को न मानने वाला, अदिति देवताओं की माँ को बोला जाता था, अन्य व्रत बोला जाता था दस्यु को। अक्षवाप, जुओं का जो निरीक्षक होता था उसे अक्षवाप बोला जाता था, अदेवय बिना देवता वाले दस्यु, अकर्मन कर्म न करने वाले दस्यु, अयज्वन यज्ञ क्रिया न करने वाले। उसके बाद आ जाता है अपूप, अपूप बोला जाता था पुआ को, अयस तांबा को, अस्तेन चोर को। इससे आप लोग अस्तेय, आप लोगों ने बौद्ध वाले वीडियो में भी देखा होगा, अस्तेय उसी से है चोरी न करना, ठीक है, तो अस्तेन वर्ड से आप लोग इसे कोरिलेट कर सकते हैं। अनूप, अनूप बोला जाता है रोटी को, अभ्रात्य अछूत को, अरण्य ये बोला जाता था जंगल की देवी को। नेक्स्ट है आप लोगों का आप बोला जाता था जल को, ये आप लोग जब भी जल पिए या पानी पिए तो उसे आप बोल सकते हैं। अभ्रमण बोला जाता था वेदों को न मानने वाले को, अमीक्षा दही को, अधिवास ऊपर का वस्त्र, अधर्व्यु बोला जाता था यजुर्वेद के ब्राह्मण को, अज अनार्य जनजाति, अनिल अनार्य जनजाति, और इक्षु बोला जाता था ईक के लिए, ईशान समिति का अध्यक्ष, ईशान शिव का एक नाम भी है, इंद्र शुनाशीर ये छल युक्त इंद्र को बोला जाता है, उष्णीज पगड़ी के लिए बोला जाता था, पुलिस के लिए बोला जाता था उग्र, ऊर्धर अनाज नापने का एक बर्तन हुआ करता था, उर्वरा जुता हुआ खेत, ऊन ऊन को कहा जाता था। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जैसे अगर हम 100 कर रहे हैं तो उसमें से आप देखेंगे कि 40-50 तो ऐसे होंगे जिसे आप इजीली कर पाएंगे, और लेकिन जो 10-15 होंगे वो थोड़े से आप लोगों के टफ होंगे। तो उनके लिए आप कार्ड्स बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर उसके बाद फिर से पीडीएफ में आके प्रैक्टिस की जा सकती है। उपाकर्म, उपाकर्म बोला जाता था शिक्षा सत्र की शुरुआत के लिए, उद्गात सामवेद से संबंधित था, कौश रेशम के लिए यूज किया जाता था, कैव्रत मछुआरा के लिए, कुलाल कुम्हार के लिए, क्रम जो है वो माथे का टीका, केतु छोटा झंडा, और कुलप बोला जाता था परिवार के मुखिया को, कीनाश हलवाहा, और कुसीदीन बोला जाता था सूद लेने वाले व्यक्ति को, कुल्या नहर, अब जैसे कूल होता है और उससे आप लोग लगा सकते हैं हिसाब थोड़ा सा, नहर, तो थोड़ा हर चीज को आप लोगों को यूज करना है, चाहे पिक्चराइजेशन हो, आप किसी चीज को देख कर याद रख लीजिए, किसी चीज को एसोसिएशन से याद रख लीजिए, इस तरह से याद रखेंगे तो हो जाएगा। कृष्ण आयस, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इस कृष्ण आयस बोला जाता था लोहे को, ऊपर हमने देखा कि आयस जो बोला जाता था वो धातु को बोला जाता था, लेकिन कृष्ण आयस जो है उसे लोहे के लिए बोला जाता था। कमरी लोहार, कुभा जो है काबुल को बोला जाता था, कुर्मु कुर्रम, कर्षण जुताई, करीश जो है गोबर की खाद, क्रिवी अनार्य कबीला, क्रश खेती करना, कृत्या जो है वो जादू टोना से संबंधित अपकारी शक्ति, कुरु जो है वो पुरु व भरत मिलकर बना हुआ है, खल जो है वो संग्रहालय
के लिए यूज किया जाता था। गण सेना की इकाई था। कारु मंत्र निर्माता नवे मंडल में। गोधूम गेहूं के लिए कहा जाता था। गोमत धनी व्यक्ति। ग्राम छोटी कबायली टोली। गोवल भैंस गाय जैसी दिखने वाली भैंस। और गोमल गोमती नदी का गोमल नाम था, तो ये तो आप लोग गो से भी याद रख सकते हैं। गोत्र जो है गोत्र बोला जाता था गौ समुदाय के लिए। ग्रहपति परिवार का मुखिया। गोप जनस्य गोपा कबीले का मुखिया या राजा। ग्रामीणी गांव का मुखिया। गवेषण गोशु गप गभ्य ये युद्ध के लिए शब्द यूज होते थे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। धन्ब जो बोला जाता था वो मरुस्थल के लिए बोला जाता था। धान अन्न के लिए। धावा पृथ्वी आकाश व पृथ्वी का संयुक्त नाम धावा पृथ्वी बोला जाता था। धर्मन कानूनी शब्द था। गौश घोष जो बोला जाता आकाश के लिए। धान्यकृत धान्यकृत अन्न उत्पन्न करने वाला। त्रपु टिन के लिए यूज होता था। रिभु बौना धातुओं पर असर डालने वाला। रित नैतिक आचरण का स्वामी ये आप लोगों को याद रखना है। वरुण वृत्तासुर अकाल पाहिम वहिम का असुर। वृत्तासुर हंता इंद्र के लिए बोला जाता था। रितस्य गोपा वरुण के लिए बोला जाता था। चर्मम बोला जाता था मोची के लिए। चित्रपट भित्ति चित्र। जन बोला जाता था अनेक कबीलों के ये समूह को जन बोला जाता था, इंपॉर्टेंट है। जनस्य गोपा राजा को बोला जाता था। जात वेदस ये अग्नि को बोला जाता था। जनपद अनेक कबीलों से बना हुआ संगठन था। तसर करघा और तर्प बोला जाता था रेशमी कपड़े के लिए। तंतु ओतु ताना बाना। त्रुवशु त्रुवशु बोला जाता पंचजन में से एक जन जो था वो त्रुवशु था। तक्षण राजा। दुष्धति ये घग्गर नदी का दुष्धति जो था वो घग्गर नदी के लिए था। दुहिता पुत्री के लिए बोला जाता था। दिशणा वनस्पति को की देवी। दस्यु भारत के जो मूल निवासी थे उन्हें बोला जाता था दस्यु। भारत वर्ड का मतलब ये था कि उस टाइम जो जियोग्राफिकली जो था वो भारत बोला जाता था, ठीक है। जो मतलब भारत आज का जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है और जो वैदिक कालीन था वो अलग कॉन्सेप्ट था, ठीक है। दात्र दराती देवपियु देवताओं को अपवित्र करने वाले। निघापति चिड़ीमार। निष्क बोला जाता था आभूषण को, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। नद्र नरकट। निरप्त भतीजा दादा नाना। निष्क्रिय वस्तु विनिमय। नियोचना बोला जाता था गले का हार। नापित ये नाई के लिए यूज होता था। नैष्टिक जीवन भर ब्रह्मचारी रहकर अध्ययन करने वाले को नैष्टिक बोला जाता था। पणि बोला जाता था व्यापारी को। पुरुषणी नावी का रावी का दूसरा नाम था। पुरुप दुर्गपति पुरंदर इंद्र को बोला जाता था किले तोड़ने के कारण। पेशस कड़े का वस्त्र। पर्जन्य बादल को बोला जाता था। प्रतिहार राजा का रक्षक। पुरभेद बादलों को तोड़कर जल को मुक्त करने वाला। प्रावा कुएं को ले बोला जाता था। परिपया पश्चिमी विंध्य। परिपशु राजा के द्वारा आयोजित धार्मिक यज्ञ को परिपशु बोला जाता था। पलत जो है वो तिलकुट है। पंचकृष्य कृष्य कृषि करने वाले लोगों का समूह। पुर चिष्णु दुर्ग तोड़ने वाला यंत्र। बेकनाट होता था सूदखोर। ब्रीह चावल के लिए यूज होता था। बलि चढ़ावा या कर के लिए बलि वर्ड यूज होता था। ब्रुबु पणियों का अधिकारी या राज। बल किसान के लिए प्रयुक्त तो होता था। बापता प्रियात्मा और ब्रात जो है सेना की एक इकाई होता है। ब्राजपति चरागाह अधिकारी। भिषक वैद्य या चिकित्सक। मंजुवत हिमालय की चोटी को मंजुवत कहा जाता था। मर्षण भड़ाई के लिए कहा जाता था। मान उड़द दाल के लिए। मूंग मूंग के लिए। महोक्ष बड़े बैल के लिए। मृदवाच अस्पष्ट वाणी बोलने वाला। मरुद्वर्दन मरुद्वर्दा। मतिथा घर मंत्र का जानकार। मंद धान का सत्तु। महामशी दलाल के लिए यूज होता था। यव जो है वो जौ के लिए यूज होता था। यक्षमा तपैतिक टीवी के लिए। यवाग जौ का आटा। रई जो है वो धनी व्यक्ति के लिए रई वर्ड यूज होता था। रक्षक जो है जो था वो जन का सर्वोच्च अधिकारी होता था।
रत्निन अधिकारी वर्ग के लिए यूज होता था, रई चांदी की छड़, रुक्य लॉकेट जैसा आभूषण, रई चांदी का सिक्का, लूलन बोला जाता था कटाई के लिए, लांगल हल के लिए, लहत पोखर के लिए, और विष बोला जाता था, विष जो होता था वो अनेक ग्रामों का समूह होता था। वाय जुलाहा विश्व भुवनश्य यह सम्राट के लिए यूज होता था। विष्पति विश्व का सर्वोच्च अधिकारी विष्पति होता था। विपाशा नदी ब्यास नदी का दूसरा नाम था। वकु और वृक बैल के लिए यूज होता था। विश का मतलब होता था जनता, और विष्पति आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा कोरिलेशन यूज कर सकते हैं। वपन बुआई के लिए यूज होता था, वर्ष गड्ढे के लिए। विदल करी टोकरी बनाने वाली। वास शरीर का ऊपरी वस्त्र होता था, अधिवास हमने ऊपर देखा था। वापता नाई के लिए, विषमत्ता जनता का भक्षक। वह तो दहेज के लिए यूज होता था, विदत होता था जनसभा के लिए। वृद्धकनी बढ़ई के लिए, वृद्ध केतु बड़ा ध्वज, एंड वीरवृंति पुत्रहीन स्त्री। वितस्ता झेलम के लिए यूज होता था। शतंतु सततंतु वाद्य यंत्र था। शतुद्री जो था वो सतलुज नदी के लिए यूज होता था। श्याम लोहे के लिए यूज होता था, और सुंध्यव ऊन के लिए यूज होता था, ऊष्ण भी यूज होता था। क्षण सन के लिए यूज होता है, श्रेष्ठ श्रेणी का अध्यक्ष। शोभ जो था अलसी का सूत। शौम जो है रेशमी मैत्रायणी संहिता। स्वास्तु स्वात नदी के लिए यूज होता था, सुरसती सरस्वती नदी के लिए। सी शीशा के लिए, सदा नीरा गंडक नदी के लिए। सामूल्य ऊनी कपड़ा, सिपुई अनाज जमा करने वाला। सूप जो है भूसा उड़ाने वाला। सुजात जो था वो श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए यूज होता था। सुयाव बेकार बंजर भूमि के लिए। सीता जो था वो हल से बनी हुई नालियां, सीर हल सूची सुई के लिए, और स्पर्श गुप्तचर के लिए यूज होता था। सुषोमा सोहन सौदायिक बोला जाता, पति पिता माता द्वारा स्त्री को दिया गया उपहार। सिविता जो होता था विदुषी कन्या होती थी। सैलूष अभिनेता, सीरी कताई बुनाई करने वाली स्त्री। समन समारोह, समिधा जो थी लकड़ी के लिए होती थी यज्ञ की, और सपिंड अग्नि के सामने पशु बलि। सामली ऊन के लिए यूज किया जाता था। तो ये हैं आप लोगों के 200 वर्ड जो कि वैदिक कालीन टाइम में यूज किए जाते थे। होपफुली कि आप लोगों को इससे बेनिफिट होगा। अगर आप स्क्रीनिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।